हेलो गाइस, दिस इज आस्था पाटिल, वेलकम टू हेटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है बायो का चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपन ने एक चैप्टर कर लिया था लाइफ प्रोसेसेस बायो में, अपना सेकंड चैप्टर है बायो का। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि कंट्रोल मतलब अपना जो ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल करता है सारे बॉडी पार्ट्स को, और कैसे उनको मतलब उनको कैसे क्वेश्चंस कमांड्स देता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। सो अपन सबसे पहले देखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़ा है, उसकी फंक्शनल यूनिट होती है अपनी न्यूरॉन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये याद रखो आपके, सबसे पहले क्या है, नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। अब सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। देख, सेकेंड है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम तो आपको मतलब अपन ने पढ़ा है वॉलेंट्री क्या होता है, अपने वेलवेट्स जो होती है अपन अपन कंट्रोल करते वो, है ना। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये भी डिवाइड है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ये कैसे क्या होते हैं और इनको अपन क्या क्यों बोलते हैं, ये सब इनका फंक्शन क्या है वो भी अपन समझेंगे, अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन ने जैसे कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़े, अब उनको देख लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल फ्रॉम ब्रेन, मतलब जो अपना ब्रेन है वो मतलब आप देखो वॉलेंट्री मतलब अपनी वेल विशेस, मतलब अपन हाथ मूव कर रहे हैं तो अपन चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपन नहीं चाहते और यह हाथ ऐसे मूव कर रहा है, अपन चाहते हैं ना, अपने वेल विशेस के हिसाब से वो अपने हिसाब से वो मूवमेंट हो रहा है। तो वॉलेंट्री क्या होता है कि जो अपन चाह सके, लाइक अपन हैंड मूव कर रहे हैं, अपन नेक मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो वॉलेंट्री कहलाएगा। तो कंट्रोल फ्रॉम ब्रेन, जो कि अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर जो कंट्रोल्स हो रहे हैं वो सब कहाँ में आएंगे? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट है अपना ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, कहने से ही पता चल रहा है, इसको अपन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली या फिर इनवॉलेंट्री, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होता है, लाइक हार्ट बीट अपने कंट्रोल में नहीं रहती, अपन जब चाहे तब, ऐसा नहीं है कि अपनी हार्ट बीट अपन जब चाहे तभी धड़के और नहीं वरना नहीं धड़के, ठीक है। तो वो हार्ट बीट किस में आ सकती है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आ सकती है या फिर इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में आ सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है सिंपैथेटिक, किस में आता है सिंपैथेटिक? ऑटोमेटिक में, किस में है ये? ऑटोमेटिक में, और पैरासिंपैथेटिक भी ऑटोमेटिक में है। तो अपने सिंपैथेटिक क्या होता है? विच हैज अ मेनली स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द बॉडी, मतलब जो है ना स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स होते हैं ना वो सिर्फ अपने बॉडी में हो, मेनली स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स बॉडी में, उसे कहते हैं सिंपैथेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। और पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट जो है ना वो उसका जस्ट अपोजिट है, सी, विच एक्ट्स अपोजिट टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे वो कौन सा है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हैज मेनली इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन बॉडी, मतलब जिसके इनहिबिटरी इफेक्ट्स हो मेनली बॉडी के ऊपर वो कौन सा होंगे? अपने पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो आई होप अभी आपको नर्वस सिस्टम समझ आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, उसके बाद फिर उनमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में अपने क्या है? वॉलेंट्री, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। अपन ने लास्ट में रिविजन भी कर लिया। सो मैंने अब अपन इसको यही एंड करते हैं, तो अपन छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे ना और उसको अच्छे से समझेंगे तो अपन को समझ आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।